अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे हैरियत से हो गए। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? ठीक हो? आज फिर जनाब कहीं जा रहा हूँ, अकेला नहीं हूँ, साथ भाई भी हैं। तो भाई का भी जो है ना तारीफ करवाता हूँ आपके साथ। ये जनाब स्लो स्लो जा रहे हैं। तो जनाब टाइम तकरीबन दिन के 11 हो रहे हैं और आज दिन है ट्यूसडे का। तो आज मैं नहीं गया जहाँ पे मैं जाता हूँ, क्योंकि उस दिन मैं काम से लेट आया तो मैंने कहा आज छुट्टी करेंगे और ज़रा बाहर जाया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए। हूँ नींद में, लेकिन क्या करें जी, व्लॉग भी तो ज़रूरी है ना। बंदा बाहर जाता है किसी के साथ तो बंदा कहता है कि चलो गपशप लगाते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो जनाब निज़ाम ही हो रहा है। ये देख लें, फ़ोन पर लगे रहते हैं, तो क्या ज़रूरत है ऐसी कंपनी की? अगर कॉल पे आपने लगे रहना है तो ये देखें जी, वीडियो कॉल चल रही है। कॉल बंद हो भाई की, तो भाई के साथ आपका तारफ करवाता हूँ और फिर भाई से पूछ के बताता हूँ कि हम किधर जा रहे हैं। जा तो हम दोनों ही रहे थे, लेकिन भाई कहते हैं कि एक और लड़का दोस्त यार, तो उससे भी पूछ लेते हैं, अगर उसने भी जाना हुआ तो चलो यार तीनों चले जाएँगे गपशप लगाते हुए। तो अभी देखते हैं कि उसका क्या सीन है। हम तो पैदल ही जा रहे हैं, उसके पास गाड़ी है, गाड़ी पे जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं अगर इसने ब्रेक लगाई तो। ये देख ले, मीरपुर चौक चौक शहीद चौक शहीद। ब्लॉग शुरू है जी तुसा? हां जी भाई, अरसलान जरा इधर भी आवाम को बताए ना, आए किधर है? किधर आए? आए इधर वो बाजार ही है, लकी इतवार बाजार। लेकिन आज तो ट्यूसडे है, ट्यूसडे को कौन सा इतवार बाजार लगता है? ट्यूसडे वाला बाजार है। नहीं नहीं, आवाम को थोड़ा बताया जाए ना, लकी होता क्या है? ये यूरोप है यहां पे उल्टा। अच्छा अच्छा, यहां पे इतवार बाजार लगता है ट्यूसडे को। ये देखें, ये भाई भाई कितना अरसा हो गया इधर? मैंने 10 साल हो चले, बुढ़ा हो गया थे चिट्टे वाल। ये इतना ज्यादा ना, इतना सा समझते हैं तब आया था मेरे ख्याल में। ये जनाब सीन है सारा। अब हम जाएंगे उधर। तो जनाब बेसिकली हम आए हैं, कुछ चीज़ें लेनी थी दो चार, और यहाँ पे सस्ती मिलती हैं, आज ट्यूसडे है इस वजह से हम इधर आए हैं कि शायद कोई सस्ती चीज़ मिल जाए, अच्छी मिल जाए। दूसरा मेन मकसद ये था कि आपको भी थोड़ा सा दिखाया जाए ना, क्योंकि आप लोगों के साथ तो प्रॉमिस किया हुआ है दिखाएंगे। ये गया जी, मुझे तो गिनती भी नहीं आती, मैं बताऊँ ये कितने का क्या बता रहे हैं। ज्यादा आपको माल्टी नजर आ रहे हैं। तीसरा किलो है, तीसरा होते चार। अब बात बताया क्या, यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ी रुक रुक के बना रहा हूँ, ताकि यार पहली दफा बना रहा हूँ, तो मैंने कहा ऐसे मतलब थोड़ा बंदा अजीब लगता है कि यार देखने वाले ये ना कहें कि यार ये वीडियो क्यों बना रहे हमारी, तो इस वजह से। बाकी भी मसला नहीं है, फिर भी जो जो चीज़ लूँगा ना आप लोगों को मैंने दिखाना है साथ साथ, बिल्कुल। बाकी यार यहाँ पे चीज़ तो तकरीबन हर चीज़ ही होती है, सस्ती होती है तकरीबन। पाकिस्तान में तो मंडी जो होती है वो लेट सॉरी सुबह जल्दी लगती है ना, यहाँ पे पूरा दिन यहाँ पे तकरीबन तीन बजे तक यहाँ पे ये लगी रहती है, उसके बाद बंद होना स्टार्ट हो जाती है। ये जी यहाँ की फिश है, छोटी छोटी फिश, डेढ़ यूरो पर के जी, डेढ़ यूरो पर के जी। दूसरी बड़ी भी है, ये भी है और वो दूसरी भी है। एना किला मतलब 1 किलो। ये कौन सी है अरसलान भाई? ये वाली ये क्या चीज़ है, ये कौन सी है?
इसको बोलते क्या है? एक किलो फिश ले लिए गई है, देख लें। ये जनाब इनको फायदा हो गया, मुझे साथ लेके आए हैं, चापर मुझे पकड़ा के खुद काल पे लगे हुए। फूल 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 आपके लिए, फूल सॉक्स कपड़े वगैरह, बस देखते हैं। गर्मी आ गई हैं, अरसलान भाई मुबारक है। ये पकड़ो, चलो ये भी मेरी होगी। चलो कुछ ना कुछ तो जनाब साथ मिल ही रहा है। ये जो जो शापर मैं पकड़ू सारी चीजें मेरी ही हैं। शापर जिसके पास होगा सारी चीजें उसकी, सही है ना? सही है, सही है ना? ये काफी लंबा बाजार है, चीजें तकरीबन सारी हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको क्या दिखाया जाए, आपने तो सारे ही देखे। देखते जाएं। ओ, मुझे जो पोनी लेनी थी। पोनी, पोनी क्या होती है? पोनी पोना, पोना जिसको पोना, अच्छा पोना वो जो 100 में से 75 जिसको बोलते हैं वो पोना होता है, वो वाला पोना। हाँ, पारा पोना, पारा पोना बोलते हैं इधर। पारा पोना सही है, बोले को पाकिस्तानी है तो फिर भाई पाकिस्तानी कोई बोलते हैं। पोना 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 चाइना, पोना पोना उधर से। अच्छा जी, पोनी पोना यानी आप समझती हैं उसको। अच्छा जी, ये 10 साल वाला जो बंदा है ना, ये बताएं ये जो पोनी होती है, पोनी पोना उसको क्या कहते हैं? बता दिए भाई ने, वरना इस बंदे ने फंस जाना था। सरोतीरी कहा जाता है जी। ओ मिल गई जी, मिल गई फाइनली। हाउ मच? हाउ मच? €1 भाई। सो ये 1 यूरो का जनाब यानी पाकिस्तानी 315-320 का हो गया जी। महंगाई देख लें, फिर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इधर भी है। फूल हर तरफ है जनाब, फूल ही फूल, फूल ही फूल। ये जनाब ये बात कर दी है ना वो परदेसी भाइयों वाली, पैसे लिखने हैं लिख लेंगे। यार मसला पता क्या है, ये भाई घर से निकले थे, आपने देखा था कि कॉल लगाई हुई थी इन्होंने, अभी तक कॉल लगी हुई है। तो ऐसे तो कोई चीज नहीं लेनी होगी ना। जनाब माल्टे, माल्टे रमजान रमजान वाले माल्टे, कोई स्पेशल माल्टे होने जी? ले जी, माल्टे भी किलो के हिसाब से दे रहे हैं जी, 1.5 यूरो के 4 किलो। ये मैं नहीं कह रहा, भाई कह रहे हैं, सही है। ये ना हो मुझे बदनाम करना शुरू कर दें। सकूला कहते हैं शापर को। दोनों बंदों ने जनाब मेरा व्लॉग खराब कराया सारा। भाई जी व्लॉग शॉपिंग करने नहीं बनना, व्लॉग शॉपिंग करने ही तो बनना है। अरसलान भाई ये क्या चीज है? ये इसको बोलते हैं वो आड़ू, ये आड़ू है। अच्छा उनकी नस्ल सही है। ये जनाब मेरे काम की चीजें हैं। ये चीज जानते हैं? नहीं जानते। गाजर लिया जनाब यहाँ से 3 यूरो की 4 किलो, महंगी है बहुत। और 3 यूरो के ये छोटे वाले महंगे हैं, बड़े वाले सस्ते हैं। ऐसा क्यों है भाई, ये छोटे महंगे क्यों है? छोटे नायाब है। अच्छा ये नायाब है, ये सलाद के लिए इस्तेमाल होते हैं।
तो ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ये अंडे के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका पाकिस्तान में सलाद क्यों बनाया जाता है? मैंने वीडियो की शुरू में क्या बोला था, क्या उल्टा सिस्टम है यूरोप में। ओहो ये भी देख लेंगे। तो बस देख लें जनाब, ऐसी गुजरती है हमारी छुट्टी। लोग रेस्ट करते हैं, नींदें पूरी करते हैं और हम घर के काम करते हैं। अब ये लेके गए और बनाना भी हमने खुद ही है। तो बस ये सीन था जनाब। ये जनाब ये भी देख लें, 5 यूरो के 2 हैं जनाब। चलो जी, कुछ चीज़ें रह गई हैं वो बाद में ले लेंगे या किसी और जगह से ले लेंगे। तो वैसे मैं सोच रहा था गाड़ी लेके आने का फ़ायदा हो गया है। ओए होए होए होए, जस्ट पाकिस्तानी थिंग्स। तो मैं बैठा किधर? ओए होए होए, मैं बैठूं किधर? बात चला जो बहुत नहीं बोलना, तुमने खुद ही है, मुझे बोलना कोई नहीं आता। ये भाई को बोलना नहीं आता, बोल के रहे हैं कहते मुझे बोलना नहीं, बोलना कोई नहीं आता। अली भाई की याद आ रही है ना यहाँ पे, अली भाई बोलते थे। अब देख ले यहाँ पे भाई। चलो चलो, ऑयल की बोतल लेके आओ अंदर से। इसको हम ट्रेन कर रहे हैं और शॉपिंग करने के लिए वो जो इसलिए इसको ट्रेन करने, ये हमारे गुजर भाई हैं साथ। ये पहले दुकान पे आ चुके हैं, पाकिस्तानी है। ये पहले बड़ी भी यही लेनी है, यही वाली लेनी है। बस देख ले, मेरे साथ रहेंगे ना तो इतनी आसानी हो जाएगी आपके लिए। टप्पर भी दिखाने हैं, इसमें डाल लें। ये डाल लो इसमें। पैसे तो, पैसे तुम्हारे पास? पैसे तो नहीं है मेरे पास। मुक्के मार सा 20 यूरो दे दियो। 17 यूरो 17 यूरो दियो। 20 उधर देना। की करूं उधर, तू भी ले, तू ही आना से। मैं यूरोप आ गया, मैं ये पेंडू हूं। ना 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 ना, ये भाई है ना मेरे ही गांव के हैं, ठीक है। बड़े भाई हैं, गांव के हैं, तो ये बात नहीं, हम एक ही हैं। और अपने ये भाई किधर गए? आदिल भाई गुजरात के, गुजरात के। नहीं नहीं, ये यूरोप ही है, मुझे तो लग रहा पहले ही यूरोप में ड्रेसिंग देखते। माशाल्लाह। नहीं नहीं, जब भी कोई चीज लेनी है ये सार लाजमी ले लेना, ठीक है। इससे आपको पता चल रहा आपने कितना टैक्स दिया और कितनी की चीज ली। समझदार हो गया, बोल रहे आस्ता इनके आ रहे। मैंने 2 दिन फोन दे दिया ना, तो मैंने जनाब खुद बनानी नहीं है, बस इन्होंने बनानी है। रसीद लेना जरूरी है। वैसे भी आपको पता चलता रहता है कितने के लिए है, क्या टैक्स दे रहे हैं। जो बंदा होता है ना कि उसने दिमाग में सोचा होता है कि 1 महीने में मैंने कितना खर्च करना है। या महीने बाद जब आपके पास ये सारी रसीदें होंगी ना, आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा आपने कितना खर्च किया और कितनी आपकी बचत हुई है। ये चीजें आपको इधर आके समझ लगती है। ये हालत देखी आपने इनकी, लोग घर आते हैं आके रेस्ट करते हैं, ये देखें। आजकल की जनरेशन है ना, जो फोन और लैपटॉप में पता नहीं क्या रखा है। ये रमजान है और ये गाने लगा रहे हैं, देख लें। ये देख लें, ये इनकी हालत है यार। इनकी चवलें तो खत्म नहीं होंगी, तो मैंने कहा मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर दूं, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।